नागपुर के कलमना पुलिस थाने अंतर्गत भूषण नगर पानी फिल्टर में शव मिलने से परिसर में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान 33 वर्षीय जावेद अंसारी के रूप में हुई है। जावेद ई रिक्शा चलाता था। 12 फरवरी को दिन भर उसने अपने दोस्त के साथ नशा पानी किया और रात में ई रिक्शा चार्जिंग में लगाकर वो घर से बाहर गया और सोमवार से वो लापता था। गुरुवार को उसका शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृत्यु का कारण अभी भी अस्पष्ट है। गुरुवार को शव मिलने से पुलिस ने जावेद का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आगे की जांच कलमना पुलिस कर रही है। मेरा नाम है मोहम्मद जुबेर अंसारी। मेरे भाई का नाम है जावेद अहमद अंसारी। 12 तारीख के दिन मेरा भाई दिन भर घुमा फिरा अपने एक दोस्त के साथ में, नशा पानी करे लोगों ने, और उसके बाद में रात में 9:30 बजे घर पर आया। वो ई रिक्शा चलाता था, चार्जिंग पे ई रिक्शा लगाया। इस तरह चार्जिंग पे लगाने के बाद में अपने एक दोस्त के साथ में गया। मोबाइल पे उसके दोस्त भाई लोग से बात भी उसकी फोन पे 11-12 बजे तक उसका मोबाइल चालू था। उसके बाद में 11-12 बजे से उसका मोबाइल बंद हो गया और उसकी कोई खबर नहीं थी। और अभी परसों के दिन गुरुवार के दिन उसकी बॉडी मिली। 15 तारीख की बॉडी मिली है उसकी गुलशन नगर पानी फिल्टर में। वहाँ उसकी बॉडी मिली है तो उसकी बॉडी में से मोबाइल निकला, तो मोबाइल में सिम निकाले तो हमारे को इन्फॉर्म हुआ यहाँ उसकी बॉडी मिली है। हमारे को डाउट जा रहा है कि कुछ दोस्त लोग साथ में थे, उनने कुछ करे। भाई की उम्र थी हमारे 33-34 साल की उम्र थी। ये रिक्शा चलाते थे किराए से, शौक पानी करता था वो। साथ के दोस्त लोग के साथ में शौक पानी करता था, लेकिन अभी सुधर गया था। उसी दिन 12 तारीख के दिन मंडे के दिन में उनने कुछ शौक पानी कराया। उस दिन से इसकी कोई खबर नहीं थी और उस दिन अपने को डेड बॉडी मिली परसों के दिन। ये 3 दिन से गायब था, 3 से 4 दिन हो गया था। उसकी बॉडी मिली पानी में तो 3 दिन के अंदर बॉडी मिली उसकी। कंप्लेन नहीं डाले थे, फोन आया, मुझे लगा कि शायद से कहीं होगा घर और में या कहीं घूमने फिरने गया हुआ, मोबाइल में बंद है इसका। लेकिन जब पुलिस स्टेशन में फोन आया, पुलिस वालों को पता चला कि उसकी बॉडी मिली है। पुलिस वाले तो ये बोल रहे कि पीएम रिपोर्ट अब तक आती नहीं है, तो कुछ लेते नहीं एक्शन। महाराष्ट्र TV 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, नागपुर।